हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, मैं हरिंदर साहू आपके लिए एक आज पावरफुल वीडियो लेके आया हूं, जिसके बेसिस पे हम तीन पॉइंट पे बात करेंगे, एज अ लिस्टिंग गेन, सेकंड पॉइंट एज अ इन्वेस्टर और थर्ड पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक है, एक लेटेस्ट आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है। अगर मैं बात करूं, एक चेन जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स का है, यानी कि अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्थ खराब होती है, ये जो सेंटर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, आपको इनके पास जाना ही पड़ता है, कंपलसरी जाना पड़ता है। अब मैं बात करूं छोटे या बड़े या कितने अफोर्डेबल कितने नहीं, तो आज हम इस आईपीओ के माध्यम से आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या फ्यूचर, क्या करियर, क्या आपको अपना पैसा अपने इस तरीके के आईपीओ में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में भी डेफिनेटली जानेंगे। सो आज जो वीडियो है वो और कोई नहीं, कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के। जो मुंबई है बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी पूरे इंडिया में छाया हुआ है, काफी सारे ब्रांचेस है, तो इसको एक्सप्लेन में जान लेते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, किसी भी आईपीओ में पैसा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ की, क्या ये जो टारगेट ऑडियंस है वो किसके ऊपर टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है, तो ये आपको बहुत जल्दी समझना है, क्योंकि जितने ज्यादा ऑडियंस को वो लोग कैप्चर कर पाएंगे, लोगों को कैप्चर कर पाएंगे, पेशेंट्स को कैप्चर कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप लोग पैसा सिक्योर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अबाउट द कंपनी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऊपर आप देखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड एट 2010, 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, और 2010 से अभी 2021, ऑलमोस्ट 11 साल का इनको मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है, इन्होंने अपने पैरों को जमा चुके हैं। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में ये उभर कर आ रहा है, जहां पे अगर आपको हल्की सी भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन यही लिखता है, भैया ये टेस्ट करा के आओ, जाओ फटाक से टेस्ट करा के आओ। उस टेस्ट के ऊपर डॉक्टर आगे डिसीजन लेता है कि भैया आपको किस तरीके की बीमारी है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, तीन टेस्ट जो पूरा कवर करता है, दैट इज फर्स्ट रेडियोलॉजी, सेकंड टेली रेडियोलॉजी, एंड थर्ड आप सबको पता है पैथोलॉजी, राइट। सो ये जो तीन टेस्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डायग्नोसिस आपके कवर हो जाते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट डॉक्टर सबसे पहले ये लिखता है, और आप उसी के बेसिस पर डॉक्टर आपको मेडिसिन या आगे प्रिकॉशंस या फिर आगे आपका ट्रीटमेंट करता है, राइट। तो ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। जितने लोग आपकी लाइफ में है, आपके फैमिली में है, उन सबको कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है। मैं नहीं चाहता, खुदा ना चाहे आपके लिए कुछ ऐसा हो, लेकिन सर इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपना पैसा हेल्थ की तरफ डेफिनेटली शेयर करने वाले, राइट। सो इन सेंटर्स को इसी से कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है, और हाँ, ये एसेंशियल नीड्स के अंदर आने वाली है धीरे धीरे, राइट। और इनका एक और पॉइंट पावरफुल मैं बताऊंगा, इनका जो मेजर फोकस है वो आपका नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर, और एल्स यू कैन से स्मॉल सिटीज के अंदर, सिटीज एंड टाउन्स के अंदर ये लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और अपनी कंपनी को, अपने सेंटर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इनका जो कोर एजेंडा है, कोर फोकस है, वो लोअर सिटीज के अंदर है, जिससे एक अफोर्डेबल प्राइस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर कर सके, राइट। अच्छा, अब 1800 से ऊपर डायग्नोस्टिक सेंटर इन लोगों के अवेलेबल है मार्केट में, जो कि डेटा हमारा 31 दिसंबर 2020 तक का है, यानी कि लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2020 तक इन लोगों का ऑलमोस्ट 1800 प्लस सिटीज के अंदर सेटअप है, एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें वो लोग ऑफर कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 13 सिटीज के अंदर इन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया है। और गाइस, मैंने आपसे जैसा कि शेयर किया, इनका जो पावर है वो पैथोलॉजी, सेकंड रेडियोलॉजी, एंड थर्ड टेली रेडियोलॉजी के अंदर ये लोग अपना पैर जमा के बैठे हुए हैं। 2000 फिस्कल ईयर 2020 ऑलमोस्ट 5,27,000 मिलियंस पीपल को, यानी कि पेशेंट्स को इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है।
मैं आपको ले चलता हूं प्रोडक्ट्स के बारे में. इनके प्रोडक्ट्स जैसे कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूं ऊपर भी आपको दिख गया होगा राइट. सो प्रोडक्ट्स के अंदर रेडियोलॉजी सर्विसेज, इसके अंदर आपका हो गया एमआरआई हो गया ठीक है, उसके अलावा आपके नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं एक्सरेज वगैरह हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा. सेकेंड रूटीन लेबोरेटरी क्लिनिकल टेस्ट, ये चीज भी अवेलेबल कराते हैं. एंड थर्ड टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज. ये तीन प्रोडक्ट्स इनके मेजर हैं जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं. और हाँ, ये तीनों सर्विसेज ये आपके कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, इन सब के अंदर भी इन्होंने टाई अप कर रखा है, जो कि इनके अंदर भी ये लोग अपने ये तीन तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के कर्ता धर्ता की बात करूंगा कि इनके प्रमोटर्स कौन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है. जैसा कि आप देख रहे होंगे राजेंद्र मुत्ता, यानी कि ऑलरेडी फोर कंपनीज के अंदर इनका प्रमोटरशिप है, यानी कि फोर कंपनीज के अंदर अपने पैर गड़ा के बैठे हुए हैं ये, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 11 इयर्स का हो चुका है राइट. बाकी आपको पूरे टर्मिनोलॉजीज, बाकी कहां कहां पे इनकी कंपनी, किस किस कंपनी में इनका प्रमोटर है, हिस्सेदारी है, आप वो यहाँ पे साइड में जो आपको एक टेम्पलेट दिख जाएगा उसमें आपको इन प्रमोटर्स के जो चार इंडियन कंपनीज है जिनके अंदर इन्होंने इनका प्रमोटरशिप है आप वो देख सकते हैं. अब मैं बात करूंगा कुछ इनके स्ट्रेंथ की कि क्या ऐसी खासियत है इस कंपनी में, क्या ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पे ये अपना दम पे आईपीओ लेके आ रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो पहला, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है. ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को लेके ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स है या टेस्ट लेते हैं, नहीं, डाइवर्सिफाइड है. अगर आपके पेट में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, आंख में दर्द है, जिधर भी दर्द है तो इनके पास जाओ और अपना टेस्ट करवाओ और इनसे रिपोर्ट लेके डॉक्टर को आप लोग दे सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट होने वाला है. स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी विद क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस, एक्सटेंसिव मार्केट फुटप्रिंट इन 13 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि इनका जो फुटप्रिंट इंडिया के अंदर इन्होंने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हुए हैं. कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में दिखाने वाला हूं कि क्या इनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरीके का पैसा ये लोग कमा रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं. सो गाइस, मैं आपको ले चलता हूं, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा फाइनेंशियल के बारे में, कुछ नंबर्स की बात करते हैं कि अकेले नंबर कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकते. अब ये नंबर्स की मैं बात करूं, अगर 2019 की बात करूं तो आप देखिएगा 5289 मिलियन, यानी कि 528 करोड़ का इन्होंने टोटल एसेट्स क्रिएट किए. 2020 में इंक्रीज होके 629 करोड़ का इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद इनका एसेट थोड़ा सा घटकर 604 करोड़ का इन्होंने एसेट्स क्रिएट किया है. इनका एसेट्स अवेलेबल है 2021 मार्च 2031 तक. अब अगर मैं बात करूं कुछ टोटल रेवेन्यू की तो आप यहां पे समझ सकते हैं 214 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू 2019 में है, 271 करोड़ का इनका रिवेन्यू, यानी कि इंक्रीज होकर इनका रिवेन्यू 2020 में आ गया है. उसके बाद 271 करोड़ से डायरेक्ट इन्होंने जंप किया है 661 करोड़ का, यानी कि 200 से सीधे 600 करोड़ का, यानी कि 400 करोड़ का सीधे डिफरेंस हमें दिख रहा है, जो कि एक बहुत गुड न्यूज है इस कंपनी के लिए. इन्होंने इस पैंडेमिक टाइम में काफी अच्छे से काम किया है, काफी पेशेंट्स को इन्होंने अपना सर्विस दी है, और उसके बेसिस पे इन्होंने काफी मोटा पैसा रिवेन्यू जनरेट किया है. अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 580 मिलियन, यानी कि 58 करोड़ से इन्होंने जनरेट किया है 111 करोड़, ऑलमोस्ट डबल राइट. उसके बाद मैं अगर 2021 की बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 184 करोड़, यानी कि 111 से 184 करोड़ का इनको रिवेन्यू हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये अगेन बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल्स, इनके जो डेटास हैं बहुत ही पावरफुल है. मैं तो इस डेटा को देख के बहुत अट्रैक्टिव हूं. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपना पैसा लगाना चाहते हो? इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो क्या मैं इसमें लगाऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं. सो गाइस, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक और चीज, ऑब्जेक्टिव, इनकी सोच क्या है, मिशन विजन कहते हैं ना, कि आपको ये पता होना चाहिए हर चीज का कि इसका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो एज यूजुअल बहुत अच्छा जो मुझे अट्रैक्टिव इनका लगा कि भैया एक्सपेंशन करना है, और जो दूसरी सिटीज में इन्होंने 18 सिटीज के अंदर अभी तक किया हुआ है,
तो और जो सिटीज बची हुई है इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी इनको एक्सपैंड करना है, अपने जो सेंटर्स हैं इनको खड़े करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है, जिससे कि एक ब्रांड बन सके इनका मार्केट के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इन्होंने बताया है, टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग डायग्नोस्टिक सेंटर एट पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है. और रिपेमेंट ऑफ बोराइंग जो उनके उधारी है, जो भी इंटरेस्ट चल रहा है उसको रिपेमेंट करने के लिए भी इन्होंने पैसा इकट्ठा किया. और तीसरा, एज यूजल सबके लिए जो कॉमन होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को इनको फुलफिल करना है. राइट, सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूं आईपीओ डिटेल्स के बारे में. सो ये कब लॉन्च होगा, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपने ध्यान समझा होगा, 4 अगस्त को आईपीओ लिस्ट होने वाला है, जो कि 3 दिन के लिए होगा, 4, 5 और 6, 3 दिन के लिए आईपीओ ये ओपन है आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा 6 अगस्त को आपका ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि 4, 5, 6 को क्लोज हो जाएगा. और इसकी जो फेस वैल्यू है, 5 रुपीज पर इक्विटी है फेस वैल्यू की इसकी. और अगर मैं बात करूं प्राइस बैंड की, यस 933 रुपए लोअर बैंड है, और हायर बैंड की बात करूं तो 954 रुपए, यानी कि 954 इसका अपर बैंड है. अब आप बोलोगे यार इतना महंगा, क्योंकि दूसरे जो इसके आसपास आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को 4 IPOs आ रहे हैं, सबका रिव्यूज आप ऊपर देख लीजिएगा, मैंने एक एक करके सबके डिटेल्स दे दिए, किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है, मैंने क्लियरली बोला बिना किसी से डरे, जो मैं सोचता हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए. तो इसमें 933 से 954 का बैंड है. एक अगेन आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम में एक बोनस टिप देना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, गाइस आपके पास सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट होना चाहिए. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से. और अगर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे पास एक पावरफुल फ्रेंचाइजीज हैं, जो ब्रांड है, आप इनमें अकाउंट अपना ओपन करवा के इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो. सो इंपॉर्टेंट, 933, 954, क्या ये बहुत महंगा है? नहीं भाई, फिर मेरी बात समझना, प्राइस को देख के मत एनालिसिस क्या करो कि यह प्राइस महंगा है या सस्ता है. अगर वैल्यूएबल चीज है, अगर वाकई में उसमें दम है, तो वो प्राइस हमेशा आपको महंगा मिलेगा, ये हमेशा मान कर लेना. आईफोन हमेशा महंगा मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार आईफोन इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो ब्रांड, वो क्वालिटी आपको उस चीज की देता है, वो आपको फील कराता है कि लग्जरी वाला. राइट, तो मैं ये समझता हूं कि इसकी जो वैल्यूएशन है उसको देख के, जो हमने फाइनेंशियल्स पढ़े उसको देख के, 533 and 554 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट जिसमें आपको नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपको घर जाना चाहिए. और जो बोनस टिप्स है, आपको अपर बैंड पे बिड लगानी है, लोअर बैंड पे नहीं. अगर आप चाहते हो कि ये आईपीओ आपके पास आए, तो आपको 954 के रुपीस पे ही बिड लगानी पड़ेगी, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है वो आईपीओ को कैच करने का. और अगर मैं बात करूं, एक लॉट साइज में मिनिमम 15 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि एक लॉट तो आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 15 शेयर्स है. मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनली 15 शेयर्स मिनिमम आपको खरीदने पड़ेंगे. अब इसके मल्टीपल में अप टू 2 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अप टू 2 लाख, ये सभी का रूल है. आप चाहोगे कि मैं 10 लाख का इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है, अप टू 2 लाख. राइट, सो मोर इंपॉर्टेंट, लिस्टिंग एट एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर लिस्ट हो रही है, एनएससी के अंदर भी आ रही है, बीएससी के अंदर भी आ रही है. और अगर मैं बात करूं इसका जो इश्यू साइज है, ऑलमोस्ट 1213 करोड़, यानी कि 1213 करोड़ का इनका इश्यू प्राइस है. और जो फ्रेश इश्यू ला रहे हैं वो 400 करोड़ रुपीज का, एंड ऑफर फॉर सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, ये इन दो पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना. ऑफ फ्रेश इशू 400 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल 813 करोड़ का है, यानी कि दिमाग लगाओ, 400 करोड़ और जस्ट डबल 800 करोड़. क्या प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं? ये आपको समझने वाली बात है. एक होता है प्रमोटर अपना स्टेक बचा के रखे हुए, होल्ड करके रखे हैं, और एक होता है स्टेक अपना बेच रहे हैं. तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अलर्ट करूंगा यहां पे थोड़ा सा. अब इसके अलावा अलॉटमेंट कब होगी, आपको मान लो आपने अप्लाई किया 4 तारीख को, 6 तारीख को, 6 तारीख के 4 से 6 तारीख तक आपने अप्लाई किया. अब आपको अलॉटमेंट 11 तारीख को पता चल जाएगा आपको आया कि नहीं आया. 12 तारीख को अगर आया है अच्छी बात है, नहीं आया तो 12 तारीख का आपका पैसा वापिस हो जाएगा. और 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे, यानी 13 तारीख को आप इजीली देख सकते हो आपके अकाउंट में पड़े हैं शेयर्स.
और 17 तारीख को आईपीओ लिस्टिंग होगा। 17 तारीख को आप ये शेयर्स को चाहो तो होल्ड करके रख सकते हो, चाहे इसको एग्जिट कर सकते हो। लिस्टिंग गेन क्या होती है, अगर मान लो मैंने 953 रुपए पे प्राइस पे बिड किया और मेरे पास 15 शेयर्स आ गए, अब उस दिन 1200 रुपए हुआ, तो 953 माइनस 1200, तो जो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज द टोटली प्रॉफिट। यानी कि जिस दिन आईपीओ आया, जिस दिन ये प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुआ, वो जो बेनिफिट है, अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट आया तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका लिस्टिंग गेन कहलाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे मार्केट के जो बड़े बड़े महारथी हैं, वो सिर्फ लिस्टिंग गेन को कमाने के लिए आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एम अ फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर, सो गाइस आई हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजीज जिसके बेसिस पर मैं इंट्राडे भी ट्रेड करने वाला हूं, तो मैं तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा और इसको एज अ लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश करूंगा। हाँ, इस जितना आसान आपको ये दिख रहा है बिजनेस, इतना आसान क्या होता है ना? सो पैसे की बात करूं, दबा के पैसा है, लेकिन ये बिजनेस इतने आसानी से नहीं होने वाला। तो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं इस बिजनेस के अंदर वो काफी है, राइट? बट मैं अपना छोटा सा पैसा, थोड़े से शेयर्स में इसके अंदर अप्लाई करूंगा, ओके, और इसको एज अ लॉन्ग टर्म लेके जाने वाला हूं। ये भी मेरा किंग रिसर्च का पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो भैया आप 195 शेयर्स यानी कि 13 लॉट आप खरीद सकते हो, जिसकी टोटल कॉस्ट 1,86,000 रुपीज की रहने वाली है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे, और इस पीयर कंपैरिजन में मैं आपको इसके जो दूसरे कंपटीटर हैं वो किस तरीके का आरओआई कमा रहे हैं, वो किस तरीके का प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं आपसे आसान शब्दों में शेयर करना चाहता हूं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, कृष्णा डायग्नोस्टिक 71% आरओसीई है, लालपथ लैब, राइट, लालपथ लैब 35% की आरओसीई है, कृष्णा इंस्टीट्यूशंस की 32% की है, अपोलो हॉस्पिटल ब्रांड है 8.7370, मैक्स हेल्थ केयर की 4.08 है। अब जो बड़े ब्रांड जैसे कि लालपथ लैब आपको दिखा दिया, अपोलो दिखा दिया, मैक्स देखो, इनके कंपैरिजन में आरओसीई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका, देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका जो रिटर्न है 71% है, यानी कि जबरदस्त पैसे में बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेजर फोकस किया है वो छोटी सिटीज में किया है, 3 tier सिटीज में किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग को अच्छी क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं इसको एक थम्स अप देने की कोशिश करूंगा। साथ में 11 साल से काम कर रहे हैं, 18 सिटीज के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, 1800 ज्यादा सेंटर्स ये लोग बना चुके हैं, सो दीज आर गुड पॉइंट्स। और आपसे पैसा इसलिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो जो बाकी सिटीज हैं उनके अंदर भी ये अपना पैर जमा सके, और जो आपके बाजू वाला कंप्यूटर जिसके पास आप जाते हो और आपको उससे शिकायत है, तो ये साथ में आपका कंपटीटर खड़ा हो जाएगा। अब कंपटीटर आ जाएगा तो मोनोपोली नहीं होगी, मोनोपोली नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी अच्छी मिलने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो क्या आप इस कंपनी के साथ हो, क्या आप अपना पैसा इसके साथ लगाना चाहते हो, क्योंकि वो कंपटीशन आपको खत्म करना है, आपको एक अच्छी सर्विस चाहिए? तो गाइस मैं तो लगाने वाला हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप अपना पैसा इसमें लगाने वाले हो, ठीक है? बाकी पोजिशनल यस, इंट्राडे मैं खुद ट्रेड करके पैसा बना लूंगा, बाकी लिस्टिंग गेन के लिए भी मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जिससे आपको मेरी नॉलेज मैं आपसे शेयर कर सकूं और आपको एक छोटा सा अपनी तरफ से दोस्ती निभा सकूं, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।